अगर आप लोग इस वीडियो को वायरल करते हैं तो इस वीडियो से जितना भी पैसा आएगा, आप लोग समय बता देता हूँ, जितना भी पैसा आएगा ये तो 60% रुपया इसमें मैं डोनेट कर दूंगा। सबको ताली बजाइए सबसे पहले। 60% रुपया मैं डोनेट कर दूंगा इस निःशुल्क पाठशाला में, और जितना भी पैसा होगा उससे इसको बड़ा बनाने। आपका नाम? आरती। क्या आगे बनना है? पुलिस बनना है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। कहाँ? तो गावनाहा। गावनाहा जो है नरकटियागढ़ से कुछ दूर है, तो वहाँ जो है हम लोग को जाना है। एक निःशुल्क पाठशाला है जो चलाते हैं आकाश मित्रा जी, उनके यहाँ जाना है और गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बहुत बार जो है मैसेज किए कि एक बार आइए यहाँ पे भैया, प्लीज़ एक बार आइए। तो आज जो है फाइनली वो दिन आ गया है, हम जा रहे हैं। और आज जो है जा रहे हैं हम, इधर देखिए बाइक है हमारा 2010 मॉडल, 15 साल पुराना मोटरसाइकिल है, इससे हम लोग जा रहे हैं। अभी है जो अभी हम अपने द्वार पे, इधर हमारा द्वार है और घर है देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं उनके घर। जय श्री राम दोस्तों। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक बोर्ड है और यहाँ पे एक भैया हैं, और ये बोर्ड का बहुत बड़ा खासियत है। आप लोग इस वीडियो में बने रहना, आप सबको हम दिखाएँगे और बताएँगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं इस जगह का नाम, तो हम है गावनाहा प्रखंड में पिपरा चौक। क्या जी यही लोकेशन है, और यहाँ पे जो है निःशुल्क पाठशाला ये चलाते हैं, और यहाँ पे बहुत आप सबको बच्चे भी इधर दिख रहे होंगे, देख सकते हैं। तो इन लोगों से भी हम बात करेंगे, फिलहाल यहाँ के जो ये पाठशाला चलाते हैं इनसे हम लोग बात करेंगे कि कब से चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, क्या इनका मकसद है। आप लोग पूरा फुल वीडियो में बन जाएगा देखने के लिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले आपका भी धन्यवाद, और आपके देखने वाले तमाम दर्शकों का मेरे तरफ से धन्यवाद। और आप और एक बात और देखिए, ये हमारे मतलब हमको बुलाने के लिए बहुत बार मैसेज किए हैं, बहुत बार मैसेज किए हैं, फ़ोन किए हैं, मैं किस हर वीडियो में कमेंट करते थे भैया एक बार आइए, एक बार आइए, मतलब बहुत बार बहुत। आकाश मित्रा जी, और ये जो है, चलिए बताइए कि आप ये पाठशाला चलाते हैं कितना दिन से चलाते हैं? निःशुल्क पाठशाला है, चलाते हैं 1.5 साल से। 1.5 साल चलाते जी, हैं जी, जी। और क्यों चलाते हैं बताइए? देखिए गरीबी एक ऐसा चीज़ है कि बहुत से बच्चों के सपना को खा जाता है, मार देता है। हाँ, मार देता है उसके सपना को। उसका सपना होता है कि हम कुछ पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, लेकिन गरीबी एक ऐसा चीज़ है कि उसके सपना को पूरा नहीं होने देता है। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि नहीं, इन गरीब बच्चों का जो सपना है उसको पूरा किया जाएगा। और एक जगह नहीं सर, ऐसे 3 जगह और चलाते हैं निःशुल्क पाठशाला। अच्छा, ऐसे 3 जगह सेंटर आपका चलता है? 3 जगह और है। कितने लोग मिल के पढ़ाते हैं? 3 लोग हैं, 3 शिक्षक मिल के हम लोग पढ़ाते हैं। 3 शिक्षक जी। हम लोग थोड़ा उस साइड में चलेंगे, ठीक है, कि इधर पूरा बच्चा लोग भी दिखे। चलिए उधर हम लोग बैक साइड में चलते हैं, पीछे आ जाइए। तो दोस्तों देखिए अभी बहुत बच्चे अभी भी आ रहे हैं, और ये आज है संडे, लेकिन हमारे वजह से जो है ये बच्चे अभी संडे के दिन इतने धूप में जो है इस टीना के घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम आ रहे थे आज, तो ये सर ने बुलाए हैं इन बच्चों को दिखाने के लिए कि देखिए हम पढ़ाते हैं और आपको भी मिलवाते हैं इन बच्चों से। तो देखिए कि 3 जगह पढ़ाते हैं जी, तो पैसा कहाँ कहाँ से लेते हैं? नहीं भी, एक भी बच्चा से पैसा नहीं लेते हैं सर। आप तो मेरे वीडियो को शायद से देखते होंगे, आप पूछ भी सकते हैं कि एक बच्चा से हम एक बच्चा से पैसा नहीं लेते हैं। और मेरा मकसद यही है कि हाँ, गरीब बच्चों को उस लायक बना देना है कि हाँ आगे चल के बोले ना कि हाँ हम लोग पैसा के चलते पढ़ नहीं पाए। किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? आंगनबाड़ी से लेकर 8वां तक। आंगनबाड़ी का भी बच्चा यहाँ पे आता है? इधर आंगनबाड़ी का सेंटर नहीं है। सेंटर है, मतलब कि है सेंटर है, लेकिन आते हैं कुछ कुछ बच्चे, लेकिन सेंटर पे जो है उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है। जाता है लोग, खेलता है लोग, आ जाता है लोग, बस यही ना। और यहाँ पे उनसे मतलब जरूर 1% नहीं तो 5% ज्यादा ज्ञान जरूर देंगे। जी जी जी, देंगे कि नहीं? आप कहाँ तक पढ़े लिए हैं? हम अभी बीए में, मेरा पढ़ाई चल रहा है बीए का अभी चल रहा है। सेकंड ईयर या थर्ड ईयर? सेकंड ईयर चल रहा है। कहते हैं सब क्लास का कि दूसरे जगह भी पढ़ाते हैं? मतलब सबका अलग अलग टाइमिंग बना हुआ है सबका, मतलब इसी जगह पे या फिर दूसरे जगह पे? मैंने सब क्लास का हम यहीं पे पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ के जो आसपास के जो गरीब बच्चे हैं हम पढ़ाते हैं, फिर 2 अलग अलग सेंटर हैं वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, देखिए अभी कितना गर्मी है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना गर्मी है। चलिए इन बच्चों लोगों से भी बात करते हैं। चलिए आपका क्या नाम है? सुनैना कुमारी। सुनैना कुमारी कहाँ आई है? पढ़ने। पढ़ने रोज आती है कि कबो कबो? डेली। डेली क्या क्या सीख लिए अभी? सब कुछ। क्या क्या मतलब सब कुछ? नाम बताओ। तार मत पकड़ो। कखो गलूर है, पढ़ के सुना। क ख ग घ अंग च छ ज इया ट ठ ड ढ ण प फ फ म। अंग्रेजी में लूर है कि नहीं?
अंग्रेजी में नहीं लू रहे है? किसको लू रहे है अंग्रेजी में? कैसे कौन? चलिए खड़ा हो जा। किस क्लास में हो? तीसरा। तीसरा क्लास में जी। कैसे कॉल लू रहा है जी? सुनाओ। कैसे का के अच्छे खा जी से गा जी अच्छे घा एन जी संगा सी एच चा सी डबल छा जी से जा जी अच्छे जवाइन सिंह टी से टा टी एच ठा डी से डा डी एच दा एन से आरा ती से ता ती एच ठा डी से दा डी एच दा एन से ना पी से पा पी एच पा बी से बा बी एच बा एम से मा वाई से या आर से रा एल से ला भी से हुआ एस एच तैल एम से एच डबल से मुझे एस से धन से एच छे हा के एस एच कर के चट्टी ऐसे तरह जी वाई से किया। कब सीखी ये सब? दो तीन महीना हो गया। कहाँ सीखी? सर के पास। कौन सर के पास? इस सर के पास सीखे आकाश। मतलब यहीं पे सीखी है ना जी। और क्या लू रहे हैं अंग्रेजी में? इसे सब याद है। इसे याद है जी। अच्छा ए बी सी डी जी। ए बी सी डी पढ़ के सुनाओ तो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और संडे मंडे याद है जी। अच्छा और टेबल पहाड़ा याद है? कहाँ तक याद है? पहाड़ा बीस तक याद है जी। लूर है? कथी लूर है? अंग्रेजी में कि हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में लूर है। खड़ा हो जा। यार अल्लाह सुना अंग्रेजी में। Y से या R से रा L से ला B से वा S से चितलाम से S डबल H मुड़न से S से धन से H से हा K A S से तरगी चती या से तराजी वैसे गया। चलो और क्या लूरे इंग्लिश में? A से I। A से O सुना वैसे O। A से A डबल से A I से छोटी डबल से बड़ी U से छोटा U डबल से बड़ा U वाला इसे दी E से A A I से I O से O A U से O A N से अंग H। किस क्लास में पढ़ते हो? एल के जी। कहाँ पर? प्राइवेट स्कूल में। और यहाँ आते हो तो पैसा लगता है? नहीं। झूठ मत बोलो। नहीं लगता है। नहीं। अच्छा संडे मंडे याद है? संडे मंडे नहीं याद है? बढ़िया। S U N D A Y संडे संडे में सिरा भी बार M M O N D A Y मंडे मंडे में सोमवार T U E S D A Y ट्यूसडे में मंगलवार व्हाटनेसडे W E D N E S D A Y वसनेसडे वसनेसडे में तेरे बुधवार T H U R S D A Y थ्रस्ट मिस गुरुवार F R I D A Y फ्राइडे मिस शुक्रवार S A T U R D A Y थ्रस्ट सैटरडे मिस शनिवार। और क्या लू रहे हैं? कहो सारा। कहो याद है अंग्रेजी में? खाली कहो का सुना अंग्रेजी में। कैसे का केच खा जिसे गा जी एच गा एन जी संगा बस बढ़िया। और किसको याद है चचा दा अंग्रेजी में? चचा दा खड़ा हो जा। चचा दा अंग्रेजी में सुना। सी एच चा जी से जा जी एच जा एन ओ आई सी जा। मैं फिर से सुना वो जी सी से सी एच चा जी सी डबल एच चा जी से जा जी एच जा चौसे चौसे सी एच सी एच छी एच छ से बोलो चौसे कि ऐसा ही बोलता है सी एच चेंगे सी एच छ सी डबल एच छ जी से जा जी एच छ एन वाई सी यो। अच्छा टोटल रहा तो टी से टा टी एच टा डी से डा डी एच डा एन सर। अच्छा और क्या लू रहे हैं? ए बी सी डी जी। टेबल जी। टेबल किसको बोलते हैं? पहाड़ा को। पहाड़ा कहाँ तक याद है? 20 तक याद है। चलो चौदह का पढ़ा सुनाओ। चौदह का अठाई चौथे बयालीस चौदह चौक छप्पन चौदह पे सत्तर चौदह चौरासी चौदह छियानवे चौवन सौ चौदह आठ एक सौ चौदह चौदह नौ एक सौ छब्बीस चौदह एक सौ चालीस गिन के पढ़ा है हाथ पे गिन के पढ़ो तो चौदह अट्ठाईस चौदह तेबयालीस चौदह चौक छप्पन चौदह पे सत्तर चौरासी चौदह छियानवे चौदह आठ चौदह नौ एक सौ छब्बीस चौदह नौ चालीस सही पढ़ दिया है। अच्छा कहाँ पर सीखा है? इसमें। इसमें। आप पढ़ता कहाँ है? स्कूल में पढ़ता है कि नहीं? स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ता है किस क्लास में? सरकारी। सरकारी में किस क्लास में? सातवां में। अच्छा पापा जी क्या करते हैं? सैलून चलाते हैं। सैलून चलाते हैं। अच्छा चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छा
देखिए ये सर हैं और सब बच्चों को जो है एकदम ट्रेंड कर रहे हैं उस प्रकार से जिस प्रकार से आर्मी को ट्रेंड किया जाता है। आप लोगों को पता होगा ट्रेनिंग में जो लोग जाते हैं इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो लोग को मतलब कोई भी सामने आ जाए तो वो लोग एकदम धुन के रख देते हैं। उस तरह से सभी बच्चे जो है एक्सपीरियंस इतना ना हो गया इन लोगों को कि एक बार पूछिए वो सवाल तो धड़ाधड़ जवाब दे दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो निःशुल्क पाठशाला चला रहे हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये देखिए ढाई साल बोल रहे हैं कि डेढ़ साल से चला रहे हैं और एक भी मतलब रुपया का इनसे इस संस्था से बेनिफिट नहीं है। जो कुछ भी होता है ये अपने से लगा देते हैं और कुछ लोग जो है कुछ मदद भी कर देते हैं। देखिए ये भी है जो इसमें सहयोग देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरेज अंसारी। नूरेज अंसारी, अच्छा कहाँ आपका घर है? बस पासी के गांव में है, बस पासी में 7 किलोमीटर दूर है। क्या ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? जी बहुत सही कर रहे हैं। बहुत सही कर रहे हैं। इसमें और क्या मतलब चाहिए लोगों के तरफ से मदद बोलिए आपके? इसमें लोगों के तरफ से जिसको जितना हो सके उतना मदद करे जी, बच्चा आगे चलकर कुछ नाम करे, गरीब बच्चों का लड़का। ये जो बच्चे हैं गरीब मजदूर के सब बच्चे हैं जी। अगर मुझे लगता है कि नौकरी वाले के बच्चे होते तो यहाँ पे नहीं दिखते। नहीं, दिखते नहीं, बिल्कुल नहीं दिखते। कहीं ना कहीं बड़े स्कूलों में दिखते और एसी वाले घर में होते जी, जी। इतना पसीना में हम लोग भी है और ये बच्चे भी है टीना के घर में, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग जरूर बताना। फिलहाल ये आकाश मित्रा जी हैं और बताइए इस संस्था के बारे में कि आप इसके बारे में क्या सोचे हैं कि खोले, क्यों सोचे बोलिए। देखिए जब हम एक समय था कि जब मैट्रिक में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम इस रास्ता से कभी कल आते थे कोचिंग वोचिंग करने जाते थे, तो मेरे आंखों के सामने हम देखे ना कि कुछ कोचिंग वाले उस कोचिंग से बच्चे को भागा देते थे। अच्छा, भागा देते पैसे के अभाव से। हम अपने भाई को भी एक जगह लेके गए थे, हम नाम नहीं रखना चाहते, गए थे कहीं पे लेके, हम बोले थे कि सर दो महीना का फीस अगले महीने दे देंगे, मेरे भाई का एडमिशन मतलब पढ़ाई को बंद मत कीजिए नहीं तो खराब गलत रास्ते में चला जाएगा। लेकिन उस स्कूल से उसको निकाल दिया गया था। उसी समय हमने बोला था कि नहीं अब इसको इस मुकाम तक पहुंचाना है और इस चंपारण से एक इतिहास लिखा जाएगा कि हाँ कोई ऐसा काम किया था कि गरीबों के सपना को भी पूरा करके छोड़ा है। और बताइए आपके पास मीडिया वाले कितना अभी तक आ चुके हैं? यही 20 से 25। क्या उन लोगों की तरफ से कुछ मदद हेल्प मिला है? हेल्प हमको तो कोई हेल्प चाहिए नहीं। अच्छा, कोई भी हेल्प नहीं चाहिए उन लोगों से, केवल मतलब कि आप जागरूक करना चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे निःशुल्क पाठशाला चला रहे हैं। नहीं देखिए हम हेल्प, आप बोले हेल्प का बात, तो हेल्प हम यही चाहते हैं सब किसी से, ठीक है, खाली मीडिया वाले से नहीं, तमाम लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, आपके भी तमाम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं जो आपके तमाम दर्शक देख रहे हैं कि थोड़ा सा सर समय निकाल के आइए और इन बच्चों को कुछ ही पढ़ने के लिए कुछ किताबें हो, जैसे कि कुछ भी क ख ग घ ABCD पहाड़ा वाला वही सब दे दीजिए, ताकि ये लोग को पढ़ने में ऊर्जा मिले और ये और थोड़ा आगे बढ़े, ताकि इस देखिए उस सब सामान से जो है इनका भी हौसला बढ़ेगा। देखिए कि हम शुरू किए हैं तो कुछ लोग जो है आ रहे हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए कोई टूल्स वगैरह सामान दे रहे हैं, कॉपी पेन कागजई पेंसिल मतलब जो भी हो रहा है अपने तरफ से दे रहे हैं। तो ये जो है चालू किए हैं, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आइए यहाँ पे, अगर जितना भी समय मिले 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा का आइए एक बार देखिए, अगर कुछ नहीं भी दे रहे हैं तो एक बार आके देखिए, इन बच्चों से मिलिए, फिर आपको पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। जब ये आप टीना देखिएगा ना और ये घर देखिएगा, इन बच्चों को देखिएगा तो आप सबको पता चलेगा। जैसे कि हम आए हुए अभी देखिए, अब हम ही को देख लीजिए कितना धूप में आए हैं और पसीना देखिए, जब मुझे इतना हो रहा है तो इन लोगों को कितना हो रहा होगा बताइए। और तो सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं संजय भैया? सबसे पहले तो हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर आपका घर है। और आपसे भी बड़े बड़े मीडिया है जिनका चैनल मिलियन में है और जिनका चैनल मिलियन में सब्सक्राइबर है, लेकिन वो लोग आ नहीं सकते इन गरीब बच्चों के बीच में, और आप वहाँ से चल के यहाँ पे आए, कहा है कि आप गरीबी जानते हैं कि गरीबी होता क्या है, तो आपने वहाँ से चल समझा कि नहीं हमको जाना चाहिए, इन गरीब बच्चों के कहानी को दिखाना चाहिए ताकि समाज इसको देख के अवेयर होकर, और समाज आज पिपरा में चल रहा है तो कहीं मेरे क्षेत्र में भी एक खुल जाए या बगल में ही खुल जाए। जानते हैं मीडिया वाले क्यों नहीं आते हैं? वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई डांस तो हो नहीं रहा है तो ये वीडियो तो चलेगा नहीं, तो वो लोग जाएंगे उनके पास जो डांस कर रहे हैं, जो मतलब गलत गलत अश्लील चीज़ें बना रहे हैं, वो लोग उनके पास जाएंगे कि हमारा वीडियो चलेगा, उससे हम पैसा कमाएंगे। भाई कभी इंसान इंसान है ना, तो थोड़ा सा इंसानियत भी निभाइए, थोड़ा इन बच्चों के बीच में भी आइए और कम से कम नहीं हो तो 5 मिनट का वीडियो बना के आप अपने चैनल पर अपलोड कीजिए, ताकि
आपसे नहीं हो सकता मदद अगर मतलब पैसे की वजह से या फिर सामान की वजह से, तो उस वीडियो को देख करके बाकी लोग जो है आ करके उनके अंदर जो है मन है किसी को कुछ देने का तो वो दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो से बहुत किसी को बुला सकते हैं यहाँ पे। जी जी क्या सही बात है। और देखिए मतलब आपका तो अभी चैनल शायद से मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे आए हैं, नहीं तो आपका बताइए कितना बड़ा दिल है। आपके जैसे अगर उस मीडिया वाले लोगों का भी इतना बड़ा दिल हो जाता तो कुछ बातें अलग होता। चलिए मीडिया वाले बहुत हैं और कुछ लोग आए भी हैं, कुछ लोग अभी आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो मुझे पता नहीं है क्या, लेकिन हम आए हैं इन बच्चों के बीच। मुझे पता चल पा रहा है कि गरीबी क्या होती है, आप लोग अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पे आइए, क्योंकि हम लोग शुरू से ही वो सब झेलते आ रहे हैं। हम लोग भी कोई अमीर नहीं है, हम लोग भी इन्हीं सब के लेवल के हैं, ठीक है। तो देखिए जो जिस लेवल के होते हैं ना, उस लेवल में उनको जाना मतलब बहुत अच्छा लगता है। जी जी जी। लगता है ना। यहाँ पे अमीर लोग कोई नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पसीना होता है और धूप लगता है, टीना के घर है, समझिएगा। तो एसी वाले रूम से फुर्सत मिलेंगे तब ना आएंगे। नहीं, अब उन लोगों को जानना है, जाना कहाँ है जानते हैं, जहाँ नाच गाना हो के कोई वायरल हो रहा है ना, तो उन लोग के पास एक बार ना 100 बार जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी हाँ इन बच्चा सबके जिंदगी को बदल रहा है तो यहाँ पे नहीं आ सकता है। जी देखिए ये भी समझिए तो उभरता हुआ एक भविष्य है, इनमें से कोई कुछ भी बन सकता है। जैसे कि जो भी कुछ बने हैं, कोई डीएम, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, ऑफिसर, बड़ा बड़ा जो कोई भी बने हैं, बच्चों के रास्ते से ही गुजरे हुए हैं क्या, सब लोग बच्चा ही से बड़ा बना है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो शायद इन लोगों में से भी बहुत कुछ, बहुत लोग कुछ कुछ बन सकता है। अगर बड़ा आदमी नहीं तो मतलब उतना काबिल तो जरूर हो सकता है कि अपने फैमिली को चला सके। जी 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 जी। और शिक्षा एक ऐसी चीज है कि मतलब आपका करोड़ों का संपत्ति एक तरफ और थोड़ा सा शिक्षा एक तरफ है कि नहीं। अगर शिक्षा आपके पास है तो करोड़ों संपत्ति आपका होगा, लेकिन वो छुएगा नहीं, आदमी मेहनत करके खा लेगा लेकिन चोरी करने नहीं जाएगा। और वही शिक्षा नहीं होगा तो सोचेगा कि हम कहाँ मेहनत करने, चलो चोरी करके खा लेते हैं। शिक्षा को कोई खरीद भी नहीं सकता है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। तो दोस्तों देखिए हमसे जितना हो सके उतना हम मतलब अभी आए हैं, तो 2 डिब्बा जो है पेंसिल लेकर के आए हैं इन बच्चों को देने के लिए। तो क्या दिया जाए? हाँ देखिए सब आप भी चाहते ना तो इन बच्चा सबको कुछ दूसरा चीज भी दे सकते थे। हाँ। चॉकलेट वगैरह हवा जवा दे सकते थे, लेकिन चॉकलेट खा लेता तो 2 मिनट के लिए टेस्टी। हाँ। मुंह स्वाद मिलता। हाँ। लेकिन आपने क्या सोचा कि नहीं इन लोगों को ऐसा कुछ दिया जाए ताकि इन लोगों का भविष्य बने। तो आप लोग आपने ये सोचा और आज आपसे जितना भी हुआ जो भी हुआ ठीक है, अभी आप भी कोई अरबपति या खरबपति नहीं है, आपसे जो हुआ पेंसिल लाए हैं, एक पेंसिल से इन लोग का अगर जिंदगी बदल जाएगा तो कोई कम है? नहीं है, बहुत है, बहुत है। चलिए ये पेंसिल जो है लिखने वाला है, तो आप लोगों को पता होगा कि लिखने से बहुत कुछ बदल जाता है। तो चलिए ये रखे रहिए, थोड़ा सा इसको दे देते हैं तो बात करते हैं। एक लाइन से ठीक है, इसमें कट्टर मिटकाना भी है अंदर, दे दीजिएगा किसी। चलिए थोड़ा। क्या नाम है? कृष्णा। ये लीजिए, क्या है वो? आपका क्या नाम है? कून। आपका क्या नाम है? रागिनी। आपका क्या नाम है? ये लीजिए। आपका? अंकुश। आपका क्या नाम है? शैलेश कुमार। क्या करना है आगे? पढ़ना है। लीजिए आपका क्या नाम है? पढ़ के क्या करना है? नौकरी। चलिए आपका क्या नाम है? युवराज। चलिए युवराज जी आपको आगे क्या बनना है? ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर बनना है? आर्मी। जय हिंद। ये लीजिए आपका क्या नाम है? कस के बोलिए। सुनैना। आपको क्या आगे बनना है? क्या नाम है आपका? क्या? रुचि कुमारी। आपका क्या नाम है? कस के बोलिए। पूजा कुमारी। अच्छा आपका क्या नाम है? लीजिए आपका क्या नाम है? राजा बाबू। कब से पढ़ने आते हैं? क्या? बहुत दिन। अच्छा लीजिए आपका क्या नाम है? खुशी कुमारी। कब से पढ़ने आती हो? बहुत दिन से। आपका क्या नाम है? क्या? सर्वेश। कब से पढ़ने आते हैं आप? क्या? बहुत दिन से। आपका क्या नाम है? क्या? अमित कुमार। खाना खाए हैं? कहाँ से आए हैं पढ़ने के लिए? पिपरा से। चलिए कितना दूर है आपका घर यहाँ से? अच्छा आपका क्या नाम है?
क्या? संजनी। अच्छा, इधर कौन है? आपका नाम क्या है? रिया। आपका नाम? प्रियांशु। आपका नाम? आरती। क्या आगे बनना है? पुलिस बनना है। तीन आदमी का बाकी रहा है, आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? चलिए आइए इधर। तो मतलब हमको लगा ये चीज़ कि इन लोगों को देना चाहिए, ये इन लोगों के ज़रूरत का चीज़ है। तो ऐसे भी अगर आप लोग आते हैं तो ज़्यादा नहीं, जैसे कि आप दो ही लाए तो दो बच्चों को आप ज़रूर दे सकते हैं क्या? जितना भी आपसे हो सके उतना आप ले कर दे सकते हैं। मुझसे जितना हुआ लाएँ, बाकी उन लोगों को भी मिलेगा, जिन लोगों का बाकी है उन लोगों का भी अभी मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा। और क्या कहिएगा सर? देखिए एक बात और हम वीडियो में कौन देना चाहते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के मन में अगर ये वहम है कि आकाश जी आज निःशुल्क पाठशाला चला रहे, कहीं आगे चल के 2000-4000 बच्चे हो जाएंगे तो फीस का डिमांड करेंगे, और आपके चैनल में ऑन द लाइव हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसको कटिंग मत कीजिएगा, बोल रहे हैं कि जब तक हम इस निःशुल्क पाठशाला, मेरा जिंदगी जब तक है इसको तो बंद नहीं करेंगे, आज जब तक चला रहे हैं तब तक निःशुल्क के रहेगा, इसमें कभी भी आजीवन फीस इसमें लगाया नहीं जाएगा। आप आज नहीं 10 साल बाद भी आइएगा मेरे पास तो देखिएगा ये जैसे ही चलता रहेगा। कब तक चलाइएगा? हम तो सोचे हैं ये बच्चा लोग तो बड़ा हो जाएगा तो फिर इन लोग का कोई जॉब वगैरह शादी वादी सब हो जाएगा, उसके बाद बताइए। और भी बच्चा आएगा लो छोटा छोटा तो उन लोग को भी रखिएगा या फिर बोलिएगा कि नहीं अब खत्म? ना 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 ना, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी बच्चा मेरे पास आ जाता है। आपके फैमिली वाले भी तो आपसे काम वगैरह खोजेंगे, पैसा वगैरह? नहीं देखिए कि हाँ ये बात भी सही है कि अपने लिए भी कुछ किया जा सकता है, नहीं जैसे कि अभी तो 2-3 टाइम चला, मैंने 2-3 टाइम पढ़ाते हैं, रात 8 बजे तक पढ़ाते हैं, 7 बजे 6 बजे से नहीं, और सवेरे भी पढ़ाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा टाइम में कटिंग किया जाएगा, लेकिन पढ़ाया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। मतलब ओवर टाइम में इन लोगों को पढ़ाया जाएगा, मतलब पढ़ाई जारी रहेगा? हाँ पढ़ाई जारी रहेगा। और क्या चाहते हैं बताइए, लोगों से या फिर मुझसे, और क्या चाहते हैं बोलिए? नहीं आपसे क्या चाहेंगे भैया, आपका तो इतना ना बड़ा दिल है कि हम आपके बारे में क्या बोलेंगे तो बहुत कम पड़ जाएगा। इतना गर्मी में टेम्परेचर आपका भी पसीना चूरा है, और आप उतना दूर से बाइक चला के आए हुए हैं मेरे लिए, और उसके बाद आए तो बच्चे सबसे बात भी किए, बच्चे सबसे मिले, और बच्चा सबको जो हुआ आपसे वो बांटे भी हैं। लेकिन लोगों से एक मेरा मांग रहेगा कि कोई भी अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो आप लोग थोड़ा सा ही समय निकाल के, प्लीज़ भैया आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, एक सर आपसे हाथ जोड़ रहा है कि आप लोग एक बार आइए, एक बार आप यहाँ पे आइए, ठीक है? और आके इन बच्चा सबसे मिले, कुछ दीजिए या नहीं दीजिए वो अलग बात है, लेकिन इन गरीब बच्चों से मिलिए और इनसे पूछिए कि हाँ इन लोगों का क्या, कैसे इन लोग का परिवार है, क्या इन लोग के पापा क्या करते हैं नहीं करते, इन लोग एक बार आइए इन लोग के बीच में। मतलब कुछ गाँव वालों से चाहते हैं या कि नहीं? हाँ गाँव वाले से तो मेरा मतलब इस लोगों बच्चों के ज़रूरत के लिए कुछ चीज़ बताइए जो कि बहुत ज़रूरी हो, वो अगर हमसे हो सके या फिर किसी गाँव वालों से हो सके तो हम उस चीज़ को यहाँ पे प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। हाँ आप अपने वीडियो को अगर वहाँ तक पहुँचा सकते तो अच्छा बात है। एक हमारे लिए, हम चाहते हैं कि एक हमारे लिए बड़ा सा एक रूम बने। अच्छा, बस मेरा फर्स्ट मांग यह है, ठीक है, एक रूम बन जाए कि इसमें कुछ ज़्यादातर बच्चे बैठ सके। देखिए अब इस रूम में बच्चे नहीं बैठते हैं तो मजबूरी हमको बाहर पढ़ाना पड़ता है, बाहर पढ़ाना। मतलब जगह आपके पास है? हाँ मेरे पास जगह है सर, यहाँ पूरा ही जगह है। अगर कोई कह दे, कोई नेता या मंत्री कह दे कि हम रूम बनाएंगे तो हम जगह देंगे, आप लोग बना दीजिए हम जगह देंगे। मतलब कोई अभी नेता वगैरह मंत्री वंत्री कोई चाहे मुखिया उखिया नहीं बोले हैं कि हम बनवा के देंगे? ना 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 कोई नहीं बोले हैं। 1.5 साल से चला रहे हैं लेकिन अभी तक कोई नहीं आया ना? नहीं नहीं 1.5 साल से चला रहे हैं, सब कोई देख रहा है मेरे फेसबुक पे या मेरे पेज पे, सब कोई देखता है कि हाँ आकाश कर रहा है, लेकिन सब लोग देख के अनजान अनदेखा करते हैं। चलिए तो अगर आप लोग इस वीडियो को वायरल करते हैं, मतलब खूब वायरल करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, अगर मेरा वीडियो वायरल जाता है तो उस वीडियो से जितना भी पैसा आएगा, आप लोग समय बता देता हूँ, जितना भी पैसा आएगा उसका मतलब समझिए तो 60% रुपया इसमें मैं डोनेट कर दूंगा, और जितना भी होगा उससे इसको बड़ा बनाने का प्रयास किया जाएगा क्या? हाँ सब कोई ताली बजाइए सबसे पहले। 60% रुपया मैं डोनेट कर दूंगा इस निःशुल्क पाठशाला में, और जितना भी पैसा होगा उससे इसको बड़ा बनाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग इस वीडियो को वायरल करते हैं तो देखिए भैया कितना बड़ा दिल है भैया का, ठीक है, इनका छोटा सा चैनल है, कोई मिलियन वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल नहीं है, लेकिन भैया इतना सा सब्सक्राइबर वाला चैनल लेके इतना बड़ा वादा किए हैं कि अगर मेरा वीडियो वायरल होगा तो उसका 60% आप लोगों को दान करेंगे, तो बताइए इनका कितना बड़ा दिल है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, इन गरीब बच्चों के बारे में, सर के बारे में, निःशुल्क पाठशाला के बारे में, कमेंट करके बताइएगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही, आप तब तक के लिए जय हिंद।